नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंछी आपके साथ। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा सरकारी खजाने में गैर कानूनी ढंग से इजाफे का एक और सबूत मिला है। क्या है वह, आइए जानते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग आज की तारीख में जितने भी जनहित के नाम लेकर अपनी और दिल्ली सरकार की छवि को विश्व में विज्ञापनों और समाचारों के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है, उससे ठीक विपरीत जनता को फल मिल रहा है। हम आपको पहले भी कई बातें सबूतों के साथ बता चुके हैं, जैसे कि अस्थायी तौर पर प्राप्त करने वाले परमिट की फीस सरकारी 100 रुपये प्रतिदिन की घोषित है और दिल्ली परिवहन विभाग ऑनलाइन आवेदन में 200 रुपये ले रहा था। लर्निंग लाइसेंस की फीस के साथ ही पक्के लाइसेंस की फीस लेना और लर्निंग में फेल व्यक्ति को पक्के की फीस वापस नहीं करना और साथ ही साथ लर्निंग लाइसेंस के साथ पक्के लाइसेंस के टेस्ट की फीस जमा करवा लेना और टेस्ट के लिए स्लॉट उपलब्ध न करा पाना और उसके बिना प्रयोग की हुई फीस को वापस भी न करना। वाहन मालिक द्वारा किसी कार्य के लिए फीस कटवाना और किसी कारणवश उस कार्य का ना हो पाने पर उसके द्वारा जमा फीस को वापस न करना। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जिन सेवाओं को ऑनलाइन सिस्टम में मैसेज के रूप में भेजने का आदेश, उनके लिए भी पोस्टल फीस के नाम से 20 रुपये फीस लेना। अभी ऐसे और भी बहुत कार्य हैं जिनमें गैर कानूनी ढंग से परिवहन विभाग दिल्ली की जनता से जुर्माने और फीस के नाम पर पैसा वसूल कर दिल्ली सरकार के राजस्व में इजाफा करवा रहा है। आपके लिए एक फ्रेश परमिट की फीस इसी के साथ है, जो अपने आप में सबूत है कि जिस परमिट का मैसेज वाहन मालिक के फ़ोन पर जा रहा था, उसके लिए भी पोस्टल फीस जमा करवाई गई है। यह आपकी नज़र में कितना न्यायिक है, इस पर आप स्वयं विचार करें। एक दिन में ऐसे कितनी फीस कटती होगी, इस पर भी विचार कीजिएगा और सरकार को बिना किसी कारण अतिरिक्त कितना राजस्व वसूली हो रहा होगा, सोचना जरूर। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहें NTV न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष।